हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं करने वाला हूँ कुछ चमत्कारी, मतलब कुछ खतरनाक, मतलब क्या करने वाला हूँ मुझे भी नहीं पता। मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया कि हमको कहीं पे जाना है और तुझे आज व्लॉग बनाना है। सो मैंने कहा कि बस मुझे तो यही चाहिए था व्लॉग बनाने के लिए। आई नीड कंटेंट, अ लॉट ऑफ कंटेंट आई नीडेड। सो मैंने उठाया अपना कैमरा, पहने अपने कपड़े और प्रस्थान कर चुका हूँ मैं। और बस मैं रास्ते में हूँ, कुछ ही दूरी पे हमारी डेस्टिनेशन है मार्शुद का पकड़ने वाली, मतलब मार्शुद का पकड़ेंगे पहले अपन, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वो डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमारा जो भी होगा, मतलब जो भी हम करने वाले हैं उसके लिए। और फिर बाकी की बातें तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही कि हम क्या करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो। तो आप जैसा सामने देख सकते हैं, ये है हमारा हफ्दा। यहाँ से पकड़ते हैं हम हफ्दा, मतलब 17 नंबर की मार्शुद का। और अभी हो रही है रेड लाइट, सो इंतजार करते हैं, देन करेंगे क्रॉस रोड और फिर करेंगे पारी पारी। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं मार्शुद का के अंदर, अब चलते हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पार्की नवमांक, इसका नाम है। पीछे से देख सकते हैं कि आप ये कुछ ऐसा है, मतलब बड़ा सा है। मैं आपको अभी बाहर से फुटेज दिखाता हूं, ठीक है। अंदर हम जा रहे हैं हॉट एयर बलून की राइड के लिए, जो मैंने लाइफ में आज तक नहीं लिया है। अभी मेरा दोस्त है जो टिकट ले रहा है। अंदर जाने की जो टिकट है वो शायद 200 या 300 की है। तो हम अंदर जाते हैं और फिर अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अंदर क्या होता है। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम होने वाला है। सो देखते हैं कितना अच्छा होता है और कितना बेकार होता है और कितने रुपए हम लोगों को पे करने पड़ते हैं अंदर जाके हवा में उड़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और ये है टिकट ऑफिस। और ये पार्क के बिल्कुल सामने आप ये देख सकते हैं, सामने ये है। यहाँ पे मतलब कुछ ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं दोनों, इसके अंदर कुछ मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ होता है। मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है कि होता क्या है चल में, लेकिन इसमें स्विमिंग पूल वगैरह हैं बहुत सारे, मतलब बड़े बड़े, और कोर्ट भी हैं बहुत सारे खेलने वाले। सो वो सारी चीज़ें हैं इन दोनों के अंदर। और अभी लेने गए हैं टिकट मिलते ही उसके बाद जाते हैं अंदर। सो गाइस हम लोग, चल मैं बताता हूँ अगर। सो गाइस हम लोग हैं दो जने और हम लोगों ने लिया एक कार्ड। तो एक कार्ड की जो प्राइस है वो है 50 सोमोनी। अब अंदर जाके हम जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे उसके अनुसार है। मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ कि ये कार्ड है, इसके अंदर मतलब 50 सोम हम लोगों को देने पड़े, फिर उसके अलावा हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जितना भी हम लोगों ने खर्च कर दिया वो ठीक है, और बाकी जितने भी पैसे बच जाएंगे वो हमको वापस मिल जाएंगे जब हम इस कार्ड को वापस डिपॉजिट करा देंगे बाहर जाके। और अब देखते हैं कि अंदर जाके किस चीज़ की क्या प्राइस है और देखते हैं अंदर जाके बताता हूँ आप लोगों को। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे और आप देख सकते हैं पीछे हमारा हॉट एयर बलून। बस हमको इसके अंदर जाना है, जाके कि कितना एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। अभी इसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्योंकि वो गैस वगैरह निकल रही है इस चक्कर में। तो बस जाते हैं, अरे तो बस जाते हैं और जाके मैं आप लोगों को सारी बातें ऊपर जाके बताता हूँ। चुके हैं हम, वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। अब हमने बात की है पैसे वैसों के बारे में, तो यहाँ का जो प्राइस है मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये ले रहे हैं 80 सोमोनी पर पर्सन। मतलब 80 सोमोनी आप कैलकुलेट कर लेना कि कितने पैसे हो गए, और कुछ
5 से 7 मिनट 10 मिनट मान लीजिए कि ये थोड़ा हवा में रखते हैं, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाते हैं, जो डेस्टिनेशन है मतलब कुछ ऊंचाई तक एक लेके जाते हैं, क्योंकि इन्होंने धागे वगैरह मतलब धागे क्या रस्सी बांध रखे, धागे बांध देंगे तो साले टूट जाएंगे। सो अब हम इनसे बात कर रहे हैं, हमने इन लोगों से बात की थी पहले कि हम इंडियन स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पर पढ़ाई वगैरह करते हैं और हम यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप कोई डिस्काउंट वगैरह हम लोग उसे कर पाएँ तो बॉय। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको 20 मिनट का समय देता हूँ, 20 मिनट के अंदर मतलब 20 मिनट का समय हमको क्या देता हूँ, 20 मिनट का समय वो खुद ले रहे हैं क्योंकि अभी उनके जो ग्राहक हैं कस्टमर हैं वो हैं, तो उसके बाद वो हम लोगों को बताएंगे कि कितने पैसे क्या वो लेते हैं, और फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली वी विल गो। डू इट, जस्ट डू इट। जाना पड़ेगा यार, इतना अच्छा एक्सपीरियंस कौन छोड़ता है, मतलब कौन छोड़ता है, हम छोड़ भी सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है यार, पैसे इतने 80 ज़ोमनी बहुत ज़्यादा होते हैं, कम थोड़ी होते हैं, 80 ज़ोमनी का मतलब मान लो आप 7, 8, 56 560 रुपये हो गए यार, 560 रुपये इट्स नॉट अ लेस अमाउंट, टू मच, बिकॉज वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग इन ताजिकिस्तान, सो दैट्स इट गाइस। और बस अब इंतजार करते हैं हम जाने का, पीछे पीछे कुछ मत देखिए आप, बस अब आगे देखना है आप लोगों को जो भी देखना है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं ऊपर जाने को, वो बात कर रहा है आका से, बस आका को हिंदी भी आती है थोड़ी थोड़ी, मतलब ऐसे चुच हिंदी आती है उन लोगों को, गारमेंट्स का बिजनेस सही है, कौन सी जगह? ठेंग रोड में। तो आप कितने साल रहे इंडिया? तो अभी आप जाते हो, मतलब ऐसे इंडिया जाते हो कि अब जो कोरोना के चक्कर क्या? बहुत सही है, अब वाला ठीक नहीं है ना। हाँ हाँ जाने वाले हैं, सारी बात चलते हैं। सो गाइज हम चल चुके हैं और ऊपर उड़ चुके हैं हवा में, और आनंद आ रहा है, हम सिर्फ दो हैं इस पूरे, मतलब जो छोटा सा ही है हॉट एयर बलून, लेकिन हम इसमें दो हैं, बड़ा आनंदित माहौल है। मैं अब आपको आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। This is our bhaijan. Bhaijan, you know Hindi? No. English? No. Oh, on zinayat par ruski, toji ki? Ruski, toji ki maayali. मैंने आप लोगों को बताया कि 80 ज़ोमी इसके अंदर लगेंगे, आप लोगों का ने हस्तोत सोमो का? Yes. The per person हस्तोत सोमो. वेस काजी? हाँ? वेस काजी स्कूल का सोमो. निपन. वोसिम सोमो. माली. तो आपको 80 ज़ोमी देने होंगे जैसा भैया ने आप. गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है, डर भी लग रहा है थोड़ा, क्योंकि हो सकता है मेरा फ़ोन गिर जाए इस चक्कर में। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं बिल्कुल हवा में और सिर्फ मज़े ले रहे हैं। तो अभी ये कुछ देर हमको ऊपर इसी तरीके से हवा में रखेंगे, उसके बाद नीचे लेके जाएंगे। ये देख सकते हैं आप पूरी तरीके से हवाई हवा में। तो किसी को भी यदि यहाँ पर आना है तो आप लोग भैया से संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं आप कि हमारे मित्र आए थे जिनका यूट्यूब पर चैनल है, हो सकता है कि वो आपको कुछ डिस्काउंट दे दे, नहीं देते तो फिर मैं आई कांट हेल्प यू आउट मैन। सो बड़ा मज़ा आ रहा है, इट्स इंटरेस्टिंग यू नो, देख सकते हैं। सो ताजिकिस्तान में आने के बाद पहली बार गाँव में आने का आनंद हम ले रहे हैं। सो बहुत जा रहे हैं, नीचे जाने का समय आ चुका है। हाय, सो गाइस देख सकते हैं आप पीछे ये, और हम आ चुके हैं अभी नीचे, और जो मज़ा आया ना मतलब खतरनाक आया है, मज़ा क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और पीछे जो लड़कियां हैं ये असली साली हस्ती, हंसने दो आप उनको, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ इज जस्ट टू एंजॉय योर लाइफ। और मैं चश्मे पे लग गई, सॉरी। सो मज़ा आया। अब आप लोग भी यदि आना चाहते हैं तो 80 ज़ोमनी दीजिए बस, और बाकी मज़े कीजिए, ज़िंदगी में ऐश कीजिए। हाय हाय कितनी ज़्यादा धुआँ, अच्छी
सो अब गए हैं, तो अब हम बस यही थी सारी चीज़ें स्टूडियो में। अब देखते हैं हम इस पार्क के अंदर यदि और भी कुछ करते हैं तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें भी बताता जाऊंगा, बिकॉज इस पार्क के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे रोलर कोस्टर हुआ और वो ऊपर नीचे वाला होता है ना वो हुआ, और वो घूमने वाली वो भी हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ें, नाम मेरे को कभी नहीं पता लेकिन है, और पास में पार्क भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को अगर गया दम दिखाऊंगा, नहीं तो पैसे वेस्ट करने से तो क्या ही मतलब ब्रो, यू नो दैट्स इट। तो मजा आया। सो गाइस हम लोगों ने जो कार्ड लिया था वो कार्ड को अब यूज़ करने का समय आ चुका है, और हम कोशिश करेंगे कि उस कार्ड को हम यूज़ करें, और कोशिश ये भी करेंगे कि नहीं भी करें, क्योंकि पैसे वेस्ट थोड़ी करना है यार, हम लोग जो करने आए थे वो तो हमने कर लिया, अब बाकी थोड़ा ऐसे भ्रमण कर रहे हैं पार्क का जिसका भी कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो पूरा भ्रमण करते हैं, देखते हैं जो चीज़ सबसे सस्ती और सबसे अच्छी लगेगी उस चीज़ को हम दिखाएंगे। ये है हमारे डायनासोर, बाद में दिखाऊंगा यार। ये देख सकते हैं बच्चों के खेलने के जुगाड़, वो भी बच्चों के, ये सब बच्चों के, और ये सामने वाला, हाँ ये सामने वाला, हम पहले मेले में जाते थे उसके अंदर कूदते थे इस पर, बड़ा मज़ा आता था, 10 रुपये लेता था मेले वाला, तो ये सारा 100 लेगा। ये कौन सी पिक्चर थी रे वो नाव वाली, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की नाव आधी अटक गई यहाँ पे। गाइस बहुत देर हो गई है हमको घूमते घूमते इस पार्क के अंदर, और अब हम विचार कर रहे हैं कि कम से कम एक राइड तो हम लोगों को ले लेनी चाहिए, तो हम एक राइड लेने की देखते हैं कि कौन सी राइड लेते हैं, और फिर उसके बाद सीधा घर को प्रस्थान करेंगे। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ देखने में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा तो आ ही रहा होगा, और नहीं आ रहा तो फिर आना चाहिए यार, ऐसे कैसे नहीं आ रहा आप लोगों को मज़ा, जैसे नहीं आ रहा धन यार ताजिकिस्तान आ जाओ आप, यहाँ पे मज़ा पता नहीं यहाँ का था मज़ा सही, आप जाओ वहीं सही है, मत आओ ताजिकिस्तान मत आओ, क्या करोगे यहाँ पे आके यार, छोड़ो छोड़ो लेट्स चेंज द टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें हैं पीछे देख सकते हैं आप, हमारे नहीं मतलब जिनके भी हैं उनके बच्चे, समझ रहे हो ना, घूम रहे हैं मज़े कर रहे हैं, अब है लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम भी मज़े ही कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। सो ये वाली बात है गाइस, और बाकी बस यही है, और बाकी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बाकी चलते हैं राइड करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या होता है, यही सब है, बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने आप लोगों को बताया कि कितने क्या पैसे लगते हैं एक राइड के, तो इतना ही है, देखो हॉट एयर बलून है तो थोड़ा महंगा है, बाकी अगर ये जैसे पीछे वाली राइड है तो इसके कुछ 10 लगते हैं, बाकी पीछे जो छोटी छोटी जो भी राइडें हैं ये हुआ, जिसके अंदर ज़्यादा नहीं, मेरा 10-15 से ज़्यादा नहीं है शायद, 15 से ज़्यादा किसी भी प्राइस नहीं है, तो 5, 10, 15 इतने ही लगते हैं अराउंड, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कार्ड मिलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कार्ड दिखाया था, कार्ड आप लोगों को मिलेगा, आप लोग दिखाइए और मजे कीजिए अंदर आके, और यदि आप रिचार्ज खत्म हो जाते हो तो यहाँ पे भी एक और है जिसके अंदर आप रिचार्ज वापस फिर करा सकते हो, तो उसके थ्रू आप रिचार्ज फिर करें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी ऐश से मज़े कीजिए, ठीक है, तो ठीक है बस ठीक ही है, मतलब सब क्या है, तो चलते हैं, मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को अगर मैं कहीं गया तो, मतलब कहीं क्या गया, मतलब जो भी राइड थी मैंने राइड ली, देन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके हमारी नेक्स्ट जर्नी। सो गाइस दिस इज आवर नेक्स्ट लोकेशन, ये देखिए कितना बड़ा है, और मेरे को तो ऐसे देख के डर लग रहा है, ऊपर जाके तो भगवान जाने क्या ही होगा, चलिए चलते हैं। सो गाइस वी आर इनसाइड, और रुपए तो मतलब ऐसे 10 रुपए भी नहीं लगे हैं 10 रुपए, क्या पागल हो गया तुम यार, 10 रुपए में क्या होता आजकल, है आजकल हैं 10 रुपए में है, बेवकूफ जैसी बात मत किया करो, आ गए हम, कैसे कैसे क्या करे बैठे हैं इसमें बैठे ना, अपने बैठना ये बिठाएगा, चलते हो बैठने, ठीक, अरे वो तो, अरे तेरा भाई आ जा,
सो गाइस बैठ गए, मतलब पागल हो जाऊंगा मैं तो ऐसे घूम घूम के, मतलब हवा ही हवा में जाने का शौक सा लग रहा है हमको। एक तो ये नाई ने मेरे बाल बड़े गंदे काटे हैं साला नाई। आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊपर, यहाँ कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बलून से भी ऊपर। ओए डर लग रहा है मुझे, नहीं मैं नहीं खड़ा हूँ। हिल रहा है नहीं भाई, हिल रहा है ये देखो। सो गाइस आप देख सकते हैं कितनी ऊपर आ रही, मतलब जो टॉप होता है ना उसका मतलब जो ऊपर ऊपर होता है ऐसे। हाँ बस बिल्कुल हवा में नीचे कर नीचे। हाँ बस दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन। हाय हाय हाय, मतलब मौज कर दी बेटे। हाँ सो गाइस बहुत ही मत करने के बाद हम ऊपर तक तो आ गए, अब यदि जिंदा रहे तो नीचे जाके मिलेंगे, और यदि मैं ये वीडियो मतलब अपलोड नहीं करता तो समझ जाना कि मैं बिजी हूँ यार, मैं बिजी हूँ, मैं एडिट नहीं कर पा रहा यदि मैं वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो आप समझो मेरी बात को। लोग पूछेंगे ऐसा क्या कर रहा है जो तू बिजी है, अरे बहुत सारे काम होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि जो बंदा सिंगल ना हो उसको और कोई काम ना हो, बहुत सारे काम होते हैं मुझे, समझ गए। अब मैं तुमको थोड़ी बताऊंगा क्या काम होते हैं यार, तुम सोचो तो सही, थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो। नीचे जा रहे हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं ना, बस अब क्या तुमको दिखा के थोड़ी बताऊंगा कि नीचे नहीं जा रहे। देखो तो आइसन हम नीचे जा रहे हैं बबुआ, तो हम जिंदा हैं और आज की राइड सारी खत्म होते हुए, तो धन्यवाद, मतलब धन्यवाद नहीं बोलता यार मैं, क्या बोलता हूँ, मैं तो खुद ही भूल गया लास्ट। हाँ ये एक चीज़ और है, एक चीज़ और दिखाने के लिए, रुक जाओ ये नाला सुपारा कपिल शर्मा देखते होंगे तो पता चल जाएगा नाला सुपारा क्या है। छोटी गंगा बोल के साला नाले में कूदा दिया। सो दिस वॉज इट गाइज, मिलते को नए वीडियो में को नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, आसिफ दानिया, एंड मजे करते रहिए, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी करिए, बाय बाय।